उस दरमियान हम जो है भीख मांग करके 4 महीने तक हम और हमारे परिवार इधर उधर घूम के किसी तरह से खाते पीते रहे, तो अब बचा क्या है। वैसे इंसान को जो हमारे 3 बच्चों को खा गया। इन बूढ़ी आंखों में दर्द का ऐसा सागर उमड़ रहा है जिसकी था लेना सबके बूते की बात नहीं। इस बूढ़े बाप ने अपने 3 जवान बेटों को कंधा दिया है, उनका अंतिम संस्कार किया है। बाप के कंधों पर बेटे के जनाजे का बोझ दुनिया का सबसे बड़ा बोझ है। इस बुजुर्ग का दुर्भाग्य देखिए कि इन्होंने ये बोझ 3-3 बार उठाया है। इस बुजुर्ग का नाम है चंद्रकेश्वर प्रसाद, यानी चंदा बाबू। सिवान के चंदा बाबू जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के आतंक के मारे हुए हैं, उनके 3-3 बेटे शहाबुद्दीन की क्रूरता के शिकार हो गए। तारीख थी 16 अगस्त 2004। उनके 2 बेटों 23 साल के सतीश राज और 18 साल के गिरीश राज को तेजाब से नहला दिया गया था। शहाबुद्दीन के गुंडों ने इन दोनों पर तेजाब उड़ेल कर इनकी हत्या कर दी थी। इस खौफनाक घटना का चश्मदीद था उनका बड़ा बेटा राजीव। उसने कोर्ट को बताया था कि जिस वक्त दोनों की हत्या की गई उस वक्त शहाबुद्दीन भी वहां मौजूद था। सिवान में चंदा बाबू की 2 दुकानें थी, एक पर सतीश बैठता था और दूसरी दुकान पर गिरीश। उनसे 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। 16 अगस्त 2004, चंदा बाबू सिवान में नहीं थे, पटना गए हुए थे अपने भाई के पास। एक दुकान पर सतीश और दूसरे पर गिरीश बैठा हुआ था। दुकान में 2.5 लाख रुपए रखे हुए थे। उसी वक्त रंगदारी मांगने वाले पहुंचे। सतीश ने कहा कि 30-40 हजार रुपए तक दे देंगे, लेकिन 2 लाख कहां से देंगे। इस पर गुंडों ने मारपीट शुरू कर दी। राजीव ये सब देख रहा था। गुस्से में वो बाथरूम साफ करने वाला तेजाब उठा लाया और रंगदारी मांगने वालों पर फेंक दिया। कुछ गुंडों पर तेजाब के छींटे पड़ गए। उसके बाद जो हुआ वो इतना खौफनाक था कि किसी का भी दिल दहल जाए। दुकानें लूट ली गईं, गुंडे सतीश और गिरीश को पकड़ ले गए, राजीव को भी पकड़ लिया गया। राजीव के सामने ही सतीश और गिरीश को एसिड से नहला दिया गया। तड़प तड़प कर दोनों की मौत हो गई। 2 दिन बाद राजीव किसी तरह वहां से भागने में कामयाब रहा। चंदा बाबू की भी सिवान लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी। काफी दिनों बाद हिम्मत जुटाकर चंदा बाबू सिवान लौटे थे और जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश की थी, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने 2 बेटों के कातिलों को सजा दिलाने की भी ठान ली थी। लेकिन ये जंग भी खौफ और दहशत से भरी रही। दोनों बेटों की हत्या के करीब 7 साल बाद बड़े बेटे राजीव की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस वक्त उसकी उम्र 36 साल थी। 3 दिन बाद ही कोर्ट में राजीव की गवाही होनी थी। हत्या के 18 दिन पहले ही राजीव की शादी हुई थी। राजीव की हत्या के मामले में ही शहाबुद्दीन सिवान जेल में बंद था और उसे सितंबर में जमानत मिली थी। गिरीश और सतीश की हत्या के मामले में पटना हाईकोर्ट शहाबुद्दीन को दोषी ठहरा चुका है और दिसंबर 2015 में उसे उम्र कैद की सजा सुना चुका है।